कल काशी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। दौरे से पहले पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले पीयूष गोयल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने पीयूष गोयल को बनाया राज्यसभा में सदन का नेता। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मिले सिर्फ 90 मरीज। प्रदेश में अब सिर्फ 1428 मामले सक्रिय। आईजी जोन आगरा ने किया मैनपुरी का दौरा। पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ में जल निगम विभाग का धरना प्रदर्शन। पेंशन न मिलने से परेशान हो रहे कर्मचारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, लेकिन कहां तक, यह खुद में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग कितने ज्यादा चिंतित हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो ये राज्य भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ के लोग भी कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले आनंद ले रहे हैं। लोग जिस तरह से बेखौफ होकर बाजारों और हाटों में घूम रहे हैं, उससे कोरोना की तीसरी लहर को बेशक दावत मिल रही है। यूपी में कैसे थमेगा तीसरी लहर का खतरा? न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग, न ही सैनिटाइजेशन। क्या लोगों को नहीं है कोरोना का खौफ? कोरोना की नजर, लेकिन लोग बेखबर। लोगों में लापरवाही, कहीं पड़ ना जाए भारी। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न ही सैनिटाइजेशन। क्या तीसरी लहर से यूपी बच पाएगा? गलियों से लेकर चौराहों तक, घर से लेकर बाजारों तक, अगर लोग दिखते हैं तो वो बेखबर। शायद कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में कोई खौफ नहीं बचा है। यही वजह है कि लोग इस हद तक लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। एक तरफ यूपी सरकार कोरोना को लेकर काफी चिंतित है, लगातार टीम 9 की बैठकें होती हैं, जिसमें बड़े से बड़े अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में इन निर्देशों का पालन होता दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि बाजार हाटों की बात करें तो लोग बिना किसी डर के एक जगह भीड़ लगाते हैं, न ही उनके मुंह पर मास्क रहता है और न ही तो आसपास सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, इस तरह की लापरवाही अगर बढ़ती जाएगी तो कोरोना के नए वेरिएंट से हम कैसे बच सकेंगे? इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? प्रशासन होगा या फिर आम लोग होंगे? क्योंकि न ही प्रशासन नियमों का पालन करवा पा रहा है और न ही लोग नियमों का पालन करना चाहते हैं। ऐसे में जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? शायद लोग भूल चुके हैं कि कोरोना ने किस तरह कहर बरसाया। शमशान घाटों पर शवों की कतारें लगी थी। अस्पतालों में न ही मरीजों को बेड मिल पा रहा था, न ऑक्सीजन और न ही इलाज। ये तस्वीरें सालों पुरानी नहीं, बस कुछ महीने पहले की है। कोरोना के कहर ने लोगों को इस तरह परेशान कर दिया था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। लेकिन जिस तरह हालातों में कुछ सुधार हुआ, वैसे ही लोगों के दिलों से कोरोना का डर भी शायद खत्म हो गया। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग वाकई में बहुत ज्यादा बेखौफ नजर आ रहे हैं, उनमें कोरोना का कोई डर ही नहीं है। हमारे संवाददाताओं ने कई अलग अलग जगहों पर जाकर कोरोना की स्थिति का जायजा भी लिया। आप ये देखिए, तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लखनऊ की, आगरा की और हरदोई की। और इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों के मन में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कोई भी खौफ है। लोग बेधड़क सड़कों पर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगह, जैसे आप आगरा की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर किसी की के भी चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा, कोई भी मास्क पहने हुए नहीं है। तो ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि लोगों के मन में कोरोना का खौफ पूरी तरह से निकल चुका है। बेखौफ लोग बाजारों में घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन शायद इनको ये अंदाजा नहीं है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी तो आने वाली तस्वीरें कितनी ज्यादा खतरनाक होंगी। कोरोना की पहली और फिर उसके बाद दूसरी, जब दूसरी लहर जाने के बाद में अनलॉक हो गया, जब पूरा देश
उसके बाद में अब ये तीसरी लहर का भी आगाज हो गया है। तीसरी लहर को भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक चेतावनी दी गई है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, जिसमें बच्चों के लिए भी ये तीसरी लहर बहुत ही हानिकारक। इसको लेकर लोग कितना लापरवाह हैं, हम इसलिए इस चीज़ को देखने के लिए, दिखाने के लिए दर्शकों को, हम यहाँ एक जो राजपुर चुंगी बोला जाता है इस जगह को, यहाँ आ चुके हैं और इनसे बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ना तो दो गज की दूरी को अपनाया है और ना ही मास्क लगाया है, जिसको लेकर हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं और इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें इनको मास्क भी लगाना जरूरी है और इतने लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है? सूरज। जिस तरह की ये तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, दूसरी लहर अभी निकल के गई है, कोरोना जैसी महामारी, संक्रमण महामारी फैल चुकी थी, आपने तीसरी लहर का जो आगाज है, आपने मास्क नहीं लगाया है, तो आप क्या? मास्क पहनता हूँ, अब है नहीं फिलहाल में। फिलहाल में अभी मास्क नहीं है, तो वैसे आपको कोरोना की तीसरी लहर के बारे में पता है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, तीसरी लहर आने वाली है, आपको मास्क लगाना चाहिए। ओके, आप आगे से मास्क लगाएंगे? ओके। यह हमारे साथ ये भैया एक मौजूद हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है और हम इनसे बात करते हैं और ये बताते हैं कि इन्होंने मास्क लगा रखा है और ये किस तरह नियम को फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देविंदर सिंह डागरे। आपने मास्क लगा रखा है, आप हर समय मास्क क्यों लगाए रखे हैं? इसलिए लगा रखे हैं कि ये सरकार का पालन करना चाहिए, उन्होंने कहा है जैसे मानना चाहिए, क्योंकि पहली लहर में लापरवाही दी तो दूसरी लहर में सबको पता चल चुका था कि बहुत खतरनाक बीमारी है। अब सरकार आके मास्क तो नहीं लगाएगी, ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि इसके बारे में हमें मास्क लगाना चाहिए, दो गज की दूरी रखनी चाहिए। और गवर्नमेंट तो बहुत कुछ अच्छा काम कर रही है, उसको हम पालन नहीं करेंगे तो इससे बड़ा तो हमारे लिए होगा नतीजा। हम तो चाहते हैं कि सभी लोगों को कहें तो मास्क लगाएं और इसका पालन करें, दो गज की दूरी करें, और इससे बढ़ के उन्हें ज़्यादा दोबारा खतरनाक बीमारी आ सकती है और हम उसको न्योता दे रहे हैं बगैर मास्क लगाएं, और उसको दोबारा आ सकती है, दोबारा आ सकती है, इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है, ये तो आम जनता अपने आप पर। आपकी तरफ से जनता को क्या संदेश है कि मैं तो यही कहूँगा जनता से कि आप मास्क लगाएं और इसका पालन करें, दो गज की दूरी रखें और बढ़िया अच्छे से रहें, अपना खान पीने का ध्यान दें, सैनिटाइज करें और जो गवर्नमेंट का पालन है उसका सबका ध्यान रखें। तो ये हमारे साथ एक भाई ऐसे मौजूद थे जो कि जिन्होंने मास्क पहले से लगा रखा था, हमने इनसे बात की कि इन्होंने मास्क लगाया है और किस तरह से इन्हें सरकार की जो गाइडलाइंस था उसका पूरी तरह पालन कर रहे थे। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, आपने देखा लोग कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। अगर इसी तरह की लापरवाही देखने को मिलेगी तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की तीसरी लहर हाहाकार मचा देगी। ऐसे में जरूरत है हम सबको सतर्क रहने की। प्राइम टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सचेत रहें, बिना मास्क लगाए घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि सरकार के साथ साथ ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी ने जिले के लोगों को 80 करोड़ से अधिक लागत की 133 परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 39 करोड़ 53 लाख के 48 कार्यों का शिलान्यास और 40 करोड़ 71 लाख की लागत से हुए 75 कार्यों का लोकार्पण किया। ज्यादातर परियोजनाएं नगर निगम की हैं जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हैं। कुछ कार्य पिपराइच, पिपरौली, बांसगांव और खजनी विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से पूरे देश में कोहराम मचाया था और लोग सांस के लिए बेबसी से दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, उस समय लोगों को ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत महसूस हुई। इसी कड़ी में आजमगढ़ में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। 15 जून तक 7 ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग हॉस्पिटल में लगा दिए जाने का दावा किया गया था, लेकिन इन दावों पर कोई नतीजा नहीं निकला। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि लालगंज में और अतरौलिया में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है, तरवा अस्पताल में भी जल्द शुरू हो जाएगा और लाटघाट में भी एक दो दिन के अंदर जो भी अड़चने हैं उसको दूर कर शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए सिविल वर्क पूरा कर लिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से आना है इसलिए थोड़ी देर हो रही है। चक्रपानपुर में भी दो कंपनियों के माध्यम से लगना है, वहां भी जल्दी काम हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट अपने हमारे जनपद आजमगढ़ में, अतरौलिया में ऑक्सीजन प्लांट हमारा 12 जून को हैंडओवर हो गया है, 12 जून को क्रियाशील भी हो गया है। लालगंज में
15 जून को क्रियाशील हो गया है। लाट घाट में हमारा प्लांट जो शुगर डिपार्टमेंट से मिलना है, सारी हमारी तैयारी हो चुकी है। फाउंडेशन बन गया है, सिविल वर्क बन गया है, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ गया है, बिजली का काम हो गया, पाइपलाइन बिछ गई है। प्लांट कल डिस्पैच साहिदाबाद से हो गया, आज प्लांट मेरा लाट घाट पहुँच जाएगा और कल वो क्रियाशील हो जाएगा। चौथा प्लांट हमारा 100 बेड तरवा में है, 100 बेड तरवा में लगना है, जिसमें सिविल वर्क और पाइपलाइन का कार्य 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद और UPPCL को प्लांट के लिए हम लोगों ने MPA MLA फंड से पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ और उन्होंने कहा है कि हम 20 से 25 तारीख तक हम प्लांट आपको दे देंगे। तो उम्मीद है कि तरवा का प्लांट भी हमारा 30। समाजवादी पार्टी कल प्रदेश में यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली, इसके लिए सपा कार्यालय में बैठक भी हुई। बैठक समाप्त होने के बाद सपा नेता रामगोपाल वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूपी में हो रहे अत्याचार पर सपा प्रदर्शन करेगी और बेरोजगारी के मुद्दे को भी पूरी प्रमुखता से उठाएगी। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है और BJP चाहे जितनी गुंडागर्दी कर ले इसको 2022 में हटा के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये जनता बनाएगी, ऐसी रणनीति बनाई गई है। और जो भी रणनीति है वो रणनीति TV और चैनल पे तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है और जनता भी तैयार है, चाहे जितना BJP गुंडागर्दी कर ले 2022 में इनको हटाने का। और ये जनपद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। सांसद संजय सिंह ने सदस्य जोड़ अभियान के तहत सदस्यों को जोड़ने की बात कहते हुए कहा कि आगामी समय में यूपी के सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही साथ सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। जनसंख्या कानून पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2 बच्चों से अधिक होने पर ग्राम का प्रधान नहीं बन सकते, लेकिन प्रधानमंत्री सांसद विधायक बन सकते हैं। अगर जनसंख्या बिल लाना ही है तो फिर सभी पर समानता से ये नियम लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 7:10 पे प्रभु श्री राम के नाम पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी गई और 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद उसको बेच दिया गया, ट्रस्ट को बेचा गया। आप मुझे बताइए 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड, 3,30,00,000 रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी होते हुए दुनिया के किसी हिस्से में आपने सुना है? ये काम हुआ है रामलला के नाम पर। तो जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, ये हमें समझना होगा। जो लोग प्रभु श्री राम का नाम लेके आए थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब वो नारा उनका बदल गया है कि रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरों से सावधान का पोस्टर लग गया तानपुर में, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा भाजपा का चेहरा तो और कभी बेनकाब नहीं होगा। बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद के अंतर्गत कुछ दबंगों ने मिलकर एक विकलांग युवक और उसकी पत्नी के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित युवक का कहना है कि चचेरे भाई उसके घर को हड़पना चाहते हैं। जब पुलिस को सूचना दी गई तो अभियुक्तों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनके साथ पैसों का लेन देन कर उन्हें छोड़ दिया। कानपुर में बैठकर अमेरिका की कंपनियों का सर्वर हैक कर डेटा रिलीज के नाम पर डॉलर में फिरौती मांगने वाले कॉल सेंटर का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। मामले में क्राइम ब्रांच ने सरगना मोहिंदर शर्मा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। राजधानी लखनऊ में जल निगम विभाग में धरना प्रदर्शन किया गया। जल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली है, इसी वजह से आक्रोशित कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू किया है ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि पेंशन जो लोगों तक नहीं पहुंची है उसका मुख्य कारण जल निगम विभाग के MD लोगों का पेंशन रोक रहे हैं, इसी वजह से लोगों को अब आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सुल्तानपुर में सपा की लोहिया वाहिनी ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए ये सपाई जब कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। फिलहाल सपाइयों ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंप दिया। दरअसल सूबे में बदहाल कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सपा लोहिया वाहिनी में कार्यकर्ता कार्यालय पर इकट्ठा हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर कार्यालय से जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने आह्वान किया था कि प्रत्येक जनपद में, तहसील पर और जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दे करके हम अपनी निम्नलिखित मांगों को रखेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। इसी क्रम में हम लोग आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी में अध्यक्ष राम प्रकाश मौर्य और महासचिव सुधीर कोरी और हमारे तमाम साथी सभी विधानसभा अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ हम लोग सुपरमार्केट कार्यालय से निकले और हम लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जिस तरह से गुंडाई कर रहा है, पुलिस के लोग गुंडाई कर रहे हैं, हमको शांति से सड़क पे नहीं चलने दे रहे हैं। हम लोग अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी जी को देना चाहते हैं और राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन है। उस ज्ञापन को हमको यहाँ तक आने में इनकी पुलिस गुंडाई कर रही है, आने नहीं दे रही है। इस तरह का अत्याचार इन लोगों को लगातार होता रहा है। जैसे जिला पंचायत के चुनाव में इन्होंने गुंडाई की है, इन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख में ऐसा हुआ है, कहीं कहीं किसी किसी ब्लॉक में जो है चुनाव पहले शुरू हुआ कि इनके जो है कैंडिडेट प्रत्याशी के पक्ष में सारे मतदान हो गए और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनके पक्ष में मतदान नहीं हो पाया है। इन्हीं सब संबंध अलीगढ़ के थाना इगलास में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में जमकर फायरिंग भी हुई। फायरिंग होने की वजह से एक महिला को गोली लग गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जबकि इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए एक आरोपी को जेल भेज दिया। बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्यवाही जारी है। कानपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीन वांछित शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों अपराधियों के पास से क्राइम ब्रांच ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। हिरासत में आए तीनों शातिरों में से एक के ऊपर हत्या समेत कई मामलों में केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपियों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की पूछताछ और कार्रवाई जारी है। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों झरने में डूबकर एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के शव को बाहर निकलवाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और दूसरे दिन भी जारी रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोरों की टीम को सफलता हासिल हुई। मृतक के शव को बरामद कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर फौरन कार्रवाई शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव में ग्राम प्रधान की मनमानी की वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में है। आलम यह है कि गांव में मनरेगा के तहत काम चल रहा है और इस मनरेगा के काम में बच्चे बाल मजदूरी करते हुए दिखे। बाल मजदूरों से काम कराया जा रहा है, जो कि काफी शर्मनाक बात है। विकासखंड गंज मुरादाबाद की ग्राम पंचायत बैलोलपुर मुत्तसिल का ये मामला है। प्रतापगढ़ और उन्नाव में पत्रकारों पर हमला होने के बाद अब रायबरेली में भी पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित पत्रकार ने अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर पुलिस कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि दबंगों ने पत्रकार को फोन पर अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं, चाहे जनपद प्रतापगढ़ का मामला हो, चाहे ताजा मामला अभी जनपद उन्नाव का हो। वही रायबरेली में इसी तरह का एक मामला आया है। इसी न्यूज के पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, उसी पत्रकार। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि वीरेंद्र कुमार मास्टर, महेंद्र कुमार ने और राजीव राजेंद्र ने हमको जो है मारा पीटा, हम जान से मारने की धमकी दी। मारने से पहले इन्होंने फोन पर हमको समझाया था जान से मारने की धमकी, और इसीलिए जो है हमने थाने में गए। उसके बाद हमने वहाँ तहरीर की, तहरीर हमारी चेंज करवा के नॉर्मल धाराओं में दोनों पक्षों से NCR दर्ज करके मामला दबा दिया। यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? हम SP साहब के यहाँ आए सर। क्या आश्वासन मिला है आपको? हमको आश्वासन मिला कि उचित कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, और ये आश्वासन हमको दिया गया। अभी पुलिस अधीक्षक से आश्वासन मिला है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखना है शासन ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करता है, या खुलेआम ऐसे गुंडे सड़कों पर घूमते रहेंगे और पत्रकारों को रोज धमकियां देते रहेंगे या मारते पीटते रहेंगे। कैमरामैन अर्षद के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।